वहीं बजट पेश करने के बाद मेरे सहयोगी रवि कालीरमन ने सीएम मनोहर लाल से खास बातचीत की, सुनिए आप भी। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये तीसरा बजट उन्होंने पेश किया है और इसी पर बात करने के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, करीब पौने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, अंत्योदय योजना तक ये तमाम जो चीजें हैं वो पहुंच पाएंगी सर? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि हमने लगातार पिछले 3 वर्षों से काम करते करते हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि एक समाज का गरीब व्यक्ति पहले तो उसकी पहचान की जाए, अन्यथा पहले क्या होता था सॉरी कि योजनाएं सरकार पेश करती थी, उसमें योजना को प्राप्त करने के लिए लोग चिन्हित नहीं होते थे। जो भी कोई थोड़ा सा ज्यादा, यानी जिसको कहना चाहिए चालाकी से काम करते थे, थोड़ा दबंगई से काम करते थे, जिनकी साठ गांठ थी, वो आकर के योजनाओं का लाभ ले जाते थे। हमने इस बार चिन्हित किया है कि ये परिवार हैं और इनकी वेरिफिकेशन इनकम की करके उनको घर से बुलाते हैं, तब उनको योजनाओं का लाभ देते हैं। हर किसी के लिए ओपन नहीं करते हैं, इसलिए चिन्हित करके अब हम अंतिम व्यक्ति से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनकी आय को बढ़ाएंगे और फिर जो नीचे रह जाएंगे उनके लिए हम काम करेंगे। अंत्योदय की यही हमारी कंसेप्ट है, कल्पना है। सर, विपक्ष को भी आपने सत्ता पक्ष में शामिल कर लिया, जिस प्रकार के आपके इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं, उनसे जो राय मांगी गई थी, सुझाव मांगे गए थे, वो कितने कारगर आपके लिए साबित होते हैं सर? अच्छे हैं, क्योंकि उनके सुझाव कई तो व्यवस्थाओं को लेकर के हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। बहुत लोगों के सुझाव अपने अपने क्षेत्र के नाते से आते हैं, मेरे क्षेत्र में ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, उसकी भी मैपिंग कराते हैं और मैपिंग के नाते अगर उनके काम जो डिमांड की गई है वो उसमें फिट होते तो वो काम उनको हम देते भी हैं। जैसे कल हमने कॉलेजेस की घोषणा की, जैसे हमने कल सब डिवीजन लेवल के ऊपर 100 बेड के बिस्तर का, ये 100 बेड का हॉस्पिटल खोलने की ये बात कही है। तो इस प्रकार से जैसे ये जो पुलिया है, छोटी पुलिया, उसकी डिमांड थी कि 1 किलोमीटर की बजाय उसकी 500 मीटर की दूरी कर दी जाए, वो कर दी। तो लोगों की जो सुझाव होते हैं, डिमांड्स होती है, उसमें जो अच्छी चीजें होती है उसको हम स्वीकार करते हैं ताकि सारे प्रदेश की जनता का उसमें लाभ हो। सर, विपक्ष की बात कर रहे हैं, लगातार आपके जो विपक्ष के साथी हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये कहते हैं कि बजट कम भाषण ज्यादा है। देखिए, ये तो मैंने बजट के घोषणा करने से एक दिन पहले कह दिया था कि रटे रटाए इनके आलोचना के विषय होंगे, इनके पास बजट में से कुछ निकला नहीं। वास्तव में तो बिना पढ़े, बिना उसको जाने, ये आकर के तुरंत कमेंट करते हैं ताकि हम अखबार में छप जाए, इतना हेतु होता। वरना मुझे 2.5 घंटे बजट मैंने पढ़ा और उसमें भी कुछ स्किप किया, अगर मैं पूरा पढ़ता 3 घंटे लगते। लेकिन इन्होंने उस बजट को, क्योंकि भाषण में सब चीजें नहीं निकलती, बजट को देखना पड़ता, पढ़ना पड़ता, उस बजट को पढ़ने देखने में इन्होंने घंटा भी नहीं लगाया और जाते ही जाकर आलोचना कर दी। सटा रटा रटाया इनका एक उत्तर होता है, उनको देना होता है, विपक्ष इनका काम है, करना चाहिए। सर, कर्ज की बात करें तो विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि हम जब सत्ता में थे तो करीब 60,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा सरकार पर था, अब 2,43,000 करोड़ का कर्ज लगा रहे हैं, सरकार घी पी रही है, काम नहीं कर रही। देखिए, इसमें दो बातें मैं बताऊंगा। पहली बात तो 60,000 करोड़ कह रहे हैं, इसी में लोचा है। वो 60,000 नहीं, 98,000 करोड़ रुपया छोड़ के गए थे और मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 98,000 करोड़ के बाद आज 2.25 लाख रुपए का अगर कर्ज है तो ये 7 वर्ष के बाद ये ऐसा हुआ है और कहीं भी किसी भी प्रदेश का या किसी देश का ये अगर हम हिसाब लगाएंगे तो हर 5 साल के बाद वो डबल हो जाता है। हम जो अपने कर्ज में, दूसरा विषय के पैरामीटर जो बने हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, रिजर्व बैंक ने बनाए हैं, वर्ल्ड बैंक ने बनाए हैं अथवा नीति आयोग ने बनाए हैं, उन पैरामीटर्स के अंदर ही हमारा कर्ज है, उसके ऊपर नहीं है। और अगर देखा जाए तो जितने प्रदेश देश के हैं उसमें आर्थिक स्थिति के नाते से हरियाणा आज भी नंबर 1 पर माना जाता है। हमारे यहाँ जो GSDP का कुल डेट का जो रेशो है वो 25% से नीचे है, जबकि हमारा पड़ोस का प्रदेश पंजाब उसका 40% हो चुका है और बहुत प्रदेश ऐसे हैं जो 40% से भी ऊपर जाने के लिए लालायत बैठे हैं, मांग करते हैं। हमने मांग नहीं की, हमने कहा 25% के अंदर रहेंगे, तो इसलिए वो जो हमारा ऋण है वो हमारी सीमाओं के अंदर है। सर, किसानों के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं, एक मसला अब खड़ा उन पड़ा है किसान के साथ ही ट्रैक्टर को लेकर। NGT ने 15 साल पुराने जो वाहन हैं डीजल के उन पर रोक लगा दी, माफ कीजिएगा 10 साल पुराने जो डीजल के वाहन हैं उन पर रोक लगा दी। किसानों के लिए कुछ बिल लेके आ रहे हैं इस सत्र में कि उनको इस जो है ट्रैक्टर वाला जो पचड़ा है उससे राहत मिल पाए? देखिए, हमने क्योंकि पहले भी हमने एक उनके लिए छूट ली थी, अब फिर हम बिल लेकर के आ रहे हैं ताकि 2025 तक वो निश्चिंत हो जाए और उसके बाद भी जो ट्रैक्टर की क्वालिटी है उस क्वालिटी के पैरामीटर्स बना करके ताकि जो प्रदूषण है
उसका जो प्रदूषण अगर नहीं करता है ट्रैक्टर तो हम क्यों बंद करेंगे, बंद नहीं करना है। और प्रदूषण करने की बात आएगी तो कोई ना कोई टेक्निक निकालेंगे जिसमें से उसके इंजन के अंदर मॉडिफाई करके ट्रैक्टर जो है वो सही सलामत रहे, प्रदूषण कम करे, तो इस पर हम काम करेंगे। सर एक अंतिम सवाल है, आप एनर्जेटिक रहते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष को साथ मिलाने की बात, उनसे सुझाव मांगने की बात करें, एडहॉक कमेटियां बनाने की बात करें, ये आइडियाज आपको कहां से आते हैं और किस प्रकार की आपको ये ताकत मिलती है? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है हर जो कामयाब आदमी है उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपको प्रदेश में जो लोग हैं उनका भरोसा आपका साथ देता है, उनका प्यार आपको साथ देता है, कोई और चीज भी है? देखिए कहावतें होती हैं, वो कहावतें हैं हर समय हर व्यक्ति पर सत्य होती है, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर। ये कहावत ठीक है कि हर सक्सेसफुल एक व्यक्ति के पीछे कोई महिला का हाथ होता है, लेकिन हमारे पीछे तो किसी महिला का हाथ नहीं है। हाँ, हमको चूंकि परिस्थितियां जैसी होती हैं, सैद्धांतिक हमारा जो टारगेट है वो सामने है, उस टारगेट को सामने रख करके उसका जब भी हम विचार करते हैं हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई विचार हमको मिल जाता है, सिद्धांत मिल जाता है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए अगर ये नीति बनाएंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। सबका साथ सबका विकास, ये ऐसा एक वाक्य है जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है, उसमें सबका मतलब विपक्ष भी आता है, जनता भी आती है, स्टेक होल्डर भी आते हैं, केवल उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है, सब मतलब सब, तो सबका साथ लेने के लिए हम उनके साथ परामर्श करते हैं, अच्छी बातें उनको अडॉप्ट करते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनका साफ तौर पर कहना है प्रदेश का विकास करना उनका मकसद है और प्रदेश का विकास के लिए सबका साथ सबका विकास हम करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।